Okay, dear students, so let us start our new chapter that is called Mechanical Properties of Solids. Mechanical Properties of Solids. So students, aap dekhe, these are some engineering marvels. These amazing buildings, bridges, very tall, stylish buildings, crane, flyovers. Aur bahut sare aise engineering marvels aapne dekhe honge students. Ye sab obviously solid substances bante hain. So students, इस चैप्टर में हम वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो इन सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए आपको आना जरूरी है. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ज्यादा फिजिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. तो दिस इज अ वेरी यूजफुल चैप्टर फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जितने भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो इन सबको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ये चैप्टर की नॉलेज बहुत सॉलिड होनी चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज रिजिड बॉडी? स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है. रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता. डिफॉर्म नहीं किया जा सकता मतलब उसका कुछ भी शेप होगा, कुछ भी साइज होगा, और उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. पहले के कुछ चैप्टर्स में, रोटेशन वाले चैप्टर में भी हमने इसकी बात की. पर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी जैसी चीज नहीं होती है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका शेप और साइज थोड़ा सा तो चेंज किया जा ही सकता है. जैसे स्टूडेंट आप देखो, सपोज करो हमारे पास एक रबर बैंड है. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. इस रबर बैंड पे अगर हम इधर से और इधर से इस तरह से फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ये इलॉन्गेट हो जाएगा. ठीक है. तो ये डिफॉर्म हो गया है. ठीक. उसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास स्प्रिंग हो और उसको दोनों एंड से फोर्स लगा खींचा जाए तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है. अब स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास एक आयरन की रॉड है. ठीक है. उस पर दोनों साइड से हमने फोर्स लगा के खींचा. कुछ थोड़ा सा फोर्स लगाया, सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगा खींचा दोनों साइड से. क्या लगता है आपको, इस आयरन रॉड की लेंथ चेंज हो जाएगी? सोचिए. बिल्कुल स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी. लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है. इसकी लेंथ थोड़ी सी तो चेंज होती है, स्मॉल इलॉन्गेशन. ये आयरन की रॉड में लेंथ का चेंज इतना कम होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है. जिस तरह से यह रबर बैंड की लेंथ चेंज हो रही है उसी तरह से आयरन रॉड की जो लेंथ है वो भी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स. उसी तरह से अगर ये आयरन का नहीं बल्कि कॉपर, अल्मोनियम, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, किसी भी चीज का रॉड हो तो उसको जब इस तरह से खींचा जाएगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है थोड़ी. तो इस चैप्टर में बेसिकली ये जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है उसी के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं. ठीक. तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये लेंथ का इंक्रीज होता क्यों है. तो जैसे स्टूडेंट्स अगर हम रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड को हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा. ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा. ठीक है. तो हमारे सोच सकते हैं कि सपोज करो ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और उनके बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है. मतलब हम रबर बैंड को ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है और उनके बीच में छोटे छोटे स्प्रिंग कनेक्टेड है. ठीक है. तो लेट मी ड्रॉ मॉलिक्यूल्स विद ग्रीन कलर. तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि रबर बैंड जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, छोटे छोटे. हालांकि ये और भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से बना होगा लेकिन इतने मॉलिक्यूल से बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होंगे. और वो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में छोटे छोटे स्प्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से. तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब हम दोनों एंड से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग्स थोड़े इलॉन्गेट होंगे और लेंथ बढ़ जाएगी. सिंपल सी बात है. उसी तरह से स्टूडेंट्स हम आयरन के लिए भी सोच सकते हैं कि आयरन भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो छोटे छोटे स्प्रिंग से आपस में कनेक्टेड है. तो यहां पर भी हम फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग थोड़े से इलॉन्गेट हो जाते हैं. हाँ, बस डिफरेंस ये है कि रबर बैंड के केस में ये जो स्प्रिंग्स हैं वो लूज स्प्रिंग्स हैं. लूज स्प्रिंग्स आपने देखोगे कि कुछ लूज स्प्रिंग्स होते हैं, थोड़ा भी फोर्स लगाने पे उनकी लेंथ बहुत बढ़ जाती है, हम ऐसा सोच सकते हैं. लेकिन आयरन के केस में हम सोच सकते हैं कि अंदर जो स्प्रिंग्स है वो बहुत टाइट टाइप के स्प्रिंग्स हैं, टाइट स्प्रिंग्स हैं, उनकी लेंथ आसानी से बढ़ती नहीं है, इसलिए आयरन की लेंथ थोड़ी सी ही बढ़ रही है. राइट. अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे थोड़ा सा कंसेंट्रेट करेंगे. यहां पर जब मैं आयरन रॉड की बात बता रहा था आपको तो वो तो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था. अगर हम कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं थ्री डायमेंशनल तो उसको भी हम कुछ उसी तरह से सोच सकते हैं कि वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है. जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं वैसे वो बहुत सारे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है और उन सबके बीच में छोटे छोटे से स्प्रिंग्स कनेक्टेड है. अब आप समझ सकते हो कि यहां से जब आप इस ब्लॉक को आप पुश करोगे तो ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर जाएगा और शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऑब्जेक्ट्स का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है फोर्स लगाने पे. तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है और इफेक्टिवली उनके बीच में छोटे छोटे से स्प्रिंग्स होते हैं. राइट. चलो ओके, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सपोज करो हमारे पास ये एक आयरन की रॉड है,
उसको हमने इधर और इधर दोनों साइड से 100 न्यूटन फोर्स लगा के भेजा है, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर हमने 100 की जगह पे 200 न्यूटन फोर्स लगाया होता, ज्यादा फोर्स लगाया होता, तो ऑब्वियसली इलॉन्गेशन ज्यादा होता, ये तो आप समझते ही हो। अब ये हमारी सिचुएशन वन है, और एक और ऐसी सिचुएशन हमारे पास जिसमें एक आइडेंटिकल रॉड है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसका एक एंड वॉल से कनेक्टेड है और हम सिर्फ दूसरे एंड को 100 न्यूटन फोर्स लगा खींच रहे हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि फर्स्ट केस में इलॉन्गेशन ज्यादा होगा या सेकंड केस में रॉड का इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, बताएं क्या लगता है आपको, सोच। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, दोनों ही केस में इलॉन्गेशन सेम होगा, सेम होगा, ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आप दोनों एंड से इसको खींच रहे हो रॉड को, यहां पर एक एंड से आप जब रॉड को आगे खींचोगे तो देखो क्या होगा, जब रॉड को आप आगे खींचोगे तो ये रॉड आगे जाना चाहेगी, तो ये वॉल को आगे खींचेगी, वॉल को आगे खींचेगी, वॉल को आगे खींचेगी, और जब ये वॉल को आगे खींचेगी तो न्यूटन थर्ड लॉ से वॉल जो है वो इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कौन इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? वॉल, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आप देखो इफेक्टिवली दोनों में फोर्स सेम ही लग रहा है ना, इस एंड का फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस एंड पे भी वॉल 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर रॉड को इधर खींच रही है, तो दोनों केस में फोर्सेस सेम टाइप के लग रहे हैं, इसलिए दोनों में सेम इलॉन्गेशन होगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट टर्म विच वी लाइक टू डिफाइन हियर इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है स्टूडेंट्स। जैसे आप सोचो कि एक वॉल से अटैच इस तरह से एक रॉड है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस रॉड को कुछ फोर्स लगा के आपने खींचा, ठीक है, इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ थी एल, आपने इसे फोर्स लगाया तो लंबा होगा, ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा लंबा होगा, तो आपने फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, वो बढ़ के हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये टर्म यहां पे स्ट्रेन हम डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेन इज डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा एल क्या है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, सही है ना। एंड व्हाट इज लेंथ एल, लेंथ इज, एल इज ओरिजिनल लेंथ इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट्स, स्ट्रेन। अब यहां पे एक और सिंपल सा टर्म हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इसी सिचुएशन रिलेटेड टर्म है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स क्या है, ये तो वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और ए क्या है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड। अब स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ी यूनिट्स की बात करें तो ये जो स्ट्रेन है उसकी यूनिट क्या होती होगी, तो देखिए आप ऊपर लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर ये जो स्ट्रेन मैंने आपको बताया है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्यों बोलते हैं इसको, देखो लॉन्गिट्यूडनल से मतलब होता है लेंथ का, तो यहां पे लेंथ इंक्रीज हुई है ना, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखो यहां पर ये जो स्ट्रेस है स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे देखो यहां पर हमने रॉड को इलॉन्गेट किया है, लेकिन रॉड को कंप्रेस भी किया जा सकता है, आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप देखो अगर रॉड पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और इस केस में जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, बहुत सिंपल से टर्म से याद रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपको एक्चुअली ऑलरेडी पता है, ठीक है, स्प्रिंग में भी हुक्स लॉ होता है। देखो क्या होता है, मान लो एक स्प्रिंग है, तो स्टूडेंट इसमें अगर हम फोर्स लाके इसको खींचते हैं तो क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है इसमें, सपोज को डेल्टा एक्स से इलॉन्गेशन हो गया, ठीक है। यहां पर ज्यादा फोर्स लगाने पर इलॉन्गेशन भी क्या होता है, ज्यादा। तो बेसिकली फोर्स और डेल्टा एक्स आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। और इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स, तो दिस इज एक्चुअली हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग, ओके। अब स्टूडेंट्स, यहां पर जो रॉड वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं, रॉड वाली सिचुएशन वो भी कुछ ऐसी ही है, स्प्रिंग जैसी ही है, क्योंकि स्प्रिंग की तरह जब रॉड भी फोर्स लगाते हैं तो इसमें इलॉन्गेशन होता है, और वैसे जब ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इलॉन्गेशन भी ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, इलॉन्गेशन भी ज्यादा होता है। तो हुक्स लॉ जो है वो इसी फिनोमेना को कैप्चर करता है। हुक्स लॉ को यहां पे ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखा जाए तो बात वही है, क्योंकि स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, तो मोर लेस अगर देखा जाए तो ये
जो इक्वेशन है वो यही बता रही है कि अगर फोर्स ज्यादा होगा तो डेल्टा एल भी क्या होगा, ज्यादा, इलॉन्गेशन ज्यादा होगा. तो ये जो इक्वेशन है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ, दैट इज हुक्स लॉ. इसको स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिखते हैं, प्रोपोर्शनिटी साइन हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है. और स्टूडेंट्स कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप समझ रहे होंगे स्ट्रेस का सिंबल है ये और ये स्ट्रेन का. हालांकि ये सिंबल्स उतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, बट स्टिल कहीं कुछ किताबों में आपको मिल सकते हैं. अब स्टूडेंट्स यहां पर ये जो वाई दिख रहा है आपको, उसके बारे में थोड़ा बात हम करेंगे. इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. कई बार इसको सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं, या फिर कई बार सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस भी बोल देते हैं. ये जो कांस्टेंट है ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कॉपर का रॉड है तो उसके लिए वाई एक कांस्टेंट होगा, उसके लिए एक कांस्टेंट होगा, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी. अब वो कॉपर का रॉड मोटा हो या पतला हो, लंबा हो या छोटा हो, इंडिया में लिया जाए या पाकिस्तान में लिया जाए या अमेरिका में लिया जाए, उस कॉपर के रॉड का हमेशा वाई क्या होगा, कांस्टेंट. वैसे अगर अल्मोनियम की रॉड है तो उसके लिए वाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है. तो ये जो वाई होता है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. जैसे कॉपर के लिए वाई मुझे याद आ रहा है 1.2 × 10^11, अल्मोनियम के लिए वाई होता है 7 × 10^10, ठीक है. तो अब अल्मोनियम की कैसी भी रॉड हो वाई यही होगा. इस वाई के बारे में और समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन या क्वेश्चन, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो हम लेते हैं, ठीक है. सपोज करो हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक है स्टूडेंट्स कॉपर की रॉड और एक है अल्मोनियम की रॉड, ठीक है. दोनों की लेंथ ले लेते हैं 2 मीटर और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके. अब सपोज करो दोनों रॉड को आगे खींचा जा रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, तो दोनों रॉड में क्या होगा, लेंथ का इंक्रीज होगा, लेंथ का इंक्रीज होगा. तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि कॉपर की लेंथ कितनी बढ़ जाएगी और अल्मोनियम की लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, दोनों केस में डेल्टा एल कितना होगा, ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा काम है, ये जो हुक्स लॉ भी हमने देखा है स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, उसका यूज करेंगे. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. तो यहां से आप देखो फोर्स अपॉन एरिया विल बी वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. तो क्विकली स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो डेल्टा एल हमें निकालना है, वो डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल अपॉन वाई इंटू ए, सही है, ठीक है. अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके डेल्टा एल निकालना है. जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर के लिए अब डेल्टा एल क्या होगा, एफ, एफ इज 1000, एल इज 2, वाई कॉपर का देखो है 1.2 × 10^11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए, ऐसा ही शॉर्ट में बहुत करना पड़ेगा. तो दिस इज 3 × 10^-4 ऐसा यूनिट में, ठीक. तो ये डेल्टा एल आ जाएगा कॉपर का. वैसे स्टूडेंट्स हम अल्मोनियम की बात करेंगे तो उसका डेल्टा एल भी आ जाएगा, दैट विल बी फोर्स, वो तो वही है, लेंथ भी वही है. वाई जो है अल्मोनियम का दैट विल बी 7 × 10^10 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज 3 × 10^-4, ठीक है, इतना मीटर आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर पे आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ कि किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी. तो स्टूडेंट्स आप देखो दोनों के डेल्टा एल में, दोनों के डेल्टा एल में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, वाई का, बाकी तो सब सेम है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, तो दोनों में बस वाई अलग है, ठीक है. तो जिसका वाई ज्यादा है उसमें डेल्टा एल कम होगा, जिसका वाई ज्यादा है उसमें डेल्टा एल कम होगा. तो देखिए किसका वाई ज्यादा है, क्लियरली आप देख सकते हो कॉपर का वाई ज्यादा है, वाई ऑफ कॉपर इज मोर, यानी डेल्टा एल ऑफ कॉपर विल बी लेस, एंड वाई ऑफ अल्मोनियम इज लेस, इट मीन डेल्टा एल ऑफ अल्मोनियम विल बी मोर, ठीक है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां से यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो वाई है यंग्स मॉडुलस, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है. किसी चीज का अगर वाई ज्यादा है मतलब वो इलॉन्गेट कम होगा, मतलब उसको इलॉन्गेट करना डिफिकल्ट है, इलॉन्गेट करना डिफिकल्ट है, ठीक है. किसी सब्सटेंस का अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस चीज को लंबा करना, उसकी लेंथ चेंज करना डिफिकल्ट होगा. जैसे यहां पे कॉपर का वाई ज्यादा है, इसका मतलब उसका लेंथ चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है. अल्मोनियम का वाई कम है, अल्मोनियम का कम है, इसका मतलब उसका लेंथ इंक्रीज करना बहुत आसान है. तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं कि मोर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मींस डिफिकल्ट टू इलॉन्गेट, डिफिकल्ट टू इलॉन्गेट और कंप्रेस, ठीक है. जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं स्टील जो होता है उसका वाई होता है 2 × 10^11, 2 × 10^11 ऐसा यूनिट में. अब आप देखो बताओ स्टील को अगर आपको इलॉन्गेट करना है तो इन दोनों की कंपेरिजन में डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, आप देखो ध्यान से देखो, स्टील का जो वाई है वो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है, स्टील का वाई तो और भी ज्यादा है, मतलब उसकी रॉड को इलॉन्गेट करने में तो वॉट लग जाएगी, बहुत डिफिकल्ट होगा, मोर वाई मीन्स डिफिकल्ट टू इलॉन्गेट.
तो स्टूडेंट्स इस पे बेस एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, रबर होता है ना, रबर बैंड, रबर बैंड, ठीक है, सपोज कोई एक रबर बैंड है, ठीक है, तो उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा इलांगेट हो जाता है, तो इसके वाई के बारे में आपको क्या कहना है? इसका वाई बहुत ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? मोर वाई मीन्स डिफिकल्ट टू इलांगेट, लेकिन इसको तो इलांगेट करना आसान है, इसलिए इसका वाई क्या होता होगा? लेस। स्टूडेंट्स इसका वाई लेस होता है। तो अब ये हुक्स लॉ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जनरली सिंपल एग्जाम्पल्स ही होते हैं। अब देखो ये एक रॉड है स्टूडेंट्स स्टील का, उसकी लेंथ दी हुई है, उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 10 मिलीमीटर, प्लीज ध्यान दें, 100 केजी का एक ब्लॉक उससे हैंग कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा आप सोच सकते हो, जैसे 100 केजी का ब्लॉक हम इससे इसमें अटैच करेंगे तो वो रॉड को नीचे खींचेगा, जिससे रॉड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि इस रॉड में स्ट्रेस स्ट्रेन और इलोंगेशन कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें क्या करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस। स्टूडेंट्स स्ट्रेस कैसे निकलेगा, स्ट्रेस, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहां पे ये 100 केजी का जो ब्लॉक हैंग किया गया है उसका अगर हम एफबीडी बनाए तो उस पर 100 एमजी फोर्स लग रहा होगा, और ये रॉड उस पर ऊपर टेंशन फोर्स लगा रही है, रॉड उस पर ऊपर टेंशन फोर्स लगा रही है, तो यहां पे स्टूडेंट ये जो फोर्स है उसकी जगह पे हम टेंशन फोर्स लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली ये टेंशन फोर्स होगा कितना, 100 G के बराबर, 100 G के बराबर, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया जो इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कितना होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह पे हमने टेंशन लिख दिया और एरिया पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 1000 G को 10 ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब प्लीज नोट स्टूडेंट्स ये जो रेडियस है ये मिलीमीटर में दिया, दिस इज 10 to 10 to power -3 मीटर, ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट, तो दिस इज एक्चुअली 10 to power -2 मीटर, बेसिकली 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 10 to power -2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1000 × 10 to the power 4 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। इसको जब पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो 3.18 × 10 to power 8 आ जाएगा, और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से स्ट्रेस आ गया, आपको समझ में आ गया। अब स्ट्रेन और इलांगेशन निकालना है, तो स्ट्रेन कैसे निकलेगा, स्टूडेंट हुक्स लॉ यूज कर लेते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो देखो हो गया ना सॉल्व, स्ट्रेन जो है इसको लिख लेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अभी हम निकाल चुके हैं और वाई दिया हुआ है, तो दिस इज 3.18 × 10 to power 8 डिवाइड बाई वाई, दैट इज 2 × 10 to the power 11, सो दैट इज 1.59 × 10 to power -3, आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। और फाइनली इलांगेशन निकालना है, इलांगेशन निकालने के लिए करेंगे विल यूज स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, तो देखो अभी भी स्ट्रेन निकाल चुके हैं, लेंथ कितना रख देंगे 1 मीटर, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहां से डेल्टा एल भी कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ज्यादा का क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सिंपल से ही होते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो दो रॉड बैक टू बैक अटैच है इस तरीके से, उन दोनों की लेंथ दी हुई है, ऊपर वाला स्टील का रॉड है उसका वाई दिया हुआ है, नीचे वाला कॉपर का रॉड है उसका वाई दिया हुआ है, उसे 500 केजी का ब्लॉक इससे हैंग कर रहा है, दोनों रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, आप क्लियर समझ सकते हैं कि इस लोड के इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों रॉड में इलांगेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, उन दोनों रॉड का इलांगेशन हमें बताना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स इलांगेशन कैसे बताएंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली हुक्स लॉ यूज करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहां से आ जाता है हमारा डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखें सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हो, इस 500 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो यहां 500 G फोर्स चलेगा, तो ये रॉड ऊपर टेंशन फोर्स लगाएगी, अब क्योंकि ये 500 केजी का ब्लॉक रेस्ट पे होगा फाइनली वेरी ऑब्वियसली, तो ये जो टेंशन फोर्स है वो कितना हो जाएगा 500 G, यानी जी को अगर हम 10 ले ले तो 5000 न्यूटन, ठीक है, इस रॉड में टेंशन कितनी है 5000 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स ये जो रॉड है इसमें कितनी टेंशन होगी, ये जो रॉड है इसमें कितनी टेंशन होगी, अच्छा तो स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस में अगर मास नहीं दिया है रॉड्स का, रॉड्स का मास नहीं दिया तो रॉड को क्या कंसीडर करेंगे, मासलेस, रॉड को क्या कंसीडर करेंगे, मासलेस, मासलेस रॉड, ठीक है, क्योंकि अगर रॉड में मास कंसीडर करते हैं तो फिर क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि यार रॉड का इतना मास है या नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे कि रॉड किसी मासलेस, तो ये जो रॉड है स्टूडेंट उसमें टेंशन है 5000, अब ऊपर वाली स्टील की रॉड में कितना टेंशन होगा ये हमें सोचना है स्टूडेंट्स, इसमें कितना टेंशन होगा, और देखिए स्टूडेंट्स ये मासलेस रॉड है तो इसके दोनों एंड पे टेंशन सेम होगा, ये सब न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, तो ये जो कॉपर की रॉड है वो स्टील की रॉड को टी फोर्स से खींचेगी, चाहिए होगी टी फोर्स से नीचे खींचेगी, टी फोर्स से नीचे खींचेगी, तो स्टील की रॉड में न्यूटन्स थर्ड लॉ से उतने टेंशन से उसको ऊपर खींचेगी होगी, यानी स्टील की रॉड में भी टेंशन कितना हो जाएगा 5000। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा दिया कि इस तरह से अगर दो रॉड मासलेस रॉड, दो मासलेस रॉड ऐसे कनेक्टेड होती है एक के बाद एक, तो उनमें टेंशन क्या होता है इससे, तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या करना है, एक एक करके लिए दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो लेट्स सॉल्व फॉर द लोअर वन फर्स्ट, कॉपर,
कॉपर के लिए डेल्टा एल विल बी फोर्स, फोर्स लगा पे उस रॉड का टेंशन, उस रॉड का टेंशन, टेंशन इज 5000, लेंथ दी हुई रॉड की 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 0.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 4 इनटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, इज 4 इनटू 10 टू पावर माइनस 3 इनटू वाई ऑफ कॉपर, कहां 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 दिया हुआ होगा, वाई ऑफ कॉपर दिस 1.2 इनटू 10 टू द पावर 11, इसको सॉल्व कर लेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो इज कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है चैप्टर में। वैसे स्टूडेंट्स स्टील की हमें बात करनी है तो उसके लिए यही कर लेंगे, आप समझ गए डेल्टा एल फोर्स उसमें वही लगेगा, टेंशन वही हमने देखा है, लेंथ वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है, बट वाई इज डिफरेंट, वाई स्टील का दिया भाई 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना। ओके दिस क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स आप सेटअप देख ही रहे हो, दो मासलेस रॉड्स हैं और दो ब्लॉक्स को ऐसे हैंग किया गया है, हमें क्या करना है दोनों रॉड में जो इलॉन्गेशन है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप एफबीडी बना लो ताकि दोनों में टेंशन निकाल सको, दोनों रॉड में टेंशन निकाल सको, तो इस पे नीचे की तरफ 6G फोर्स लग रहा होगा, एमजी फोर्स, फिर ये जो टेंशन लगा रहा होगा रॉड इसको T1 बोलते हैं, बिकॉज द ब्लॉक इज एट्रेस तो वो 60 होगा, ठीक है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये नीचे वाली रॉड उस पर टेंशन फोर्स कितना लगाएगी 60, और उस पर एमजी फोर्स लगेगा 4G, दैट इज 40, यानी ऊपर वाली जो रॉड है वो उस पर T2 टेंशन की फोर्स कितना लगाएगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाली रॉड में टेंशन आ गया 100 और नीचे वाली रॉड में टेंशन आ गया 60, ठीक है। अब इलॉन्गेशन इन बोथ द रॉड्स हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो वंस अगेन फॉर्मूला तो वही है, स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो दैट इज क्विकली स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, विच मीन्स दैट डेल्टा एल इज एफ एल बाई ए इंटू वाई, ठीक है। तो जो नीचे वाली रॉड है लोअर, लोअर रॉड उसके लिए डेल्टा एल हम क्या लिख लेंगे, फोर्स जो उसमें टेंशन है दैट इज 60, उसका लेंथ दिया हुआ है 3, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एंड वाई इज गिवन एज 0.5 इंटू 10 टू पावर 10, कैलकुलेट कर लोगे। फिर जो अपर रॉड है उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल वंस अगेन उसमें टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स 100 इंटू लेंथ उसकी दी हुई है 2, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है 2, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वाई दैट इज 10 टू द पावर 10, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे राइट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको लेकिन है बहुत सिंपल। अब देखो यहां पे फोर पिलर्स हैं, फोर पिलर्स हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है 500 kg, तो स्टूडेंट्स आप बताओ इसके मास से क्या होगा, इसके मास से चारों के चारों ओर थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगे, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगे, तो कितने कंप्रेस होंगे यही हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा एल इन ईच रॉड, फिर उनमें स्ट्रेन और स्ट्रेस भी बताना है, ठीक है। लेंथ दी हुई है, चारों रॉड्स की लेंथ जो है वो सेम है, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, और जो नई चीज है वो ये है कि हर रॉड का इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है, हर रॉड का इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो रॉड्स हैं वो सॉलिड नहीं बल्कि हॉलो हैं, सॉलिड नहीं बल्कि हॉलो हैं स्टूडेंट्स, मतलब जो रॉड्स हैं दे आर लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ऐसी रॉड्स हैं समथिंग लाइक दिस, ऐसी रॉड्स, ठीक है, और यहां पे सॉलिड है, ये पार्ट सॉलिड है और बीच में क्या है हॉलो, बीच में हॉलो लाइक दिस। अब एसिड रॉड होने से क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये सारी कैलकुलेशन में एरिया आता है ना, जब स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जो एरिया आता है एरिया, तो अब एक रॉड का एरिया क्या लेंगे बोले आप, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन रॉड, ये जो एक रॉड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेंगे, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, सिंपल मैथ है, दैट इज पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल मैथ है कि ये पूरा एरिया लिया हमने ये पूरा, और माइनस हॉलो वाला जो एरिया है, हॉलो वाला एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड हेयर, तो दैट इज द ओनली न्यू थिंग, अगर देखा जाए कायदे से तो उसको तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, दिस इज पाई कॉमन आर आउटर स्क्वायर माइनस आई इनर स्क्वायर, सो दिस इज आर आउटर दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इनर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर पाओगे यू विल गेट 12 pi into 10 to the power minus 4 meter square. So this is the area of a rod, cross section area. ठीक है। अब students क्या कर रहे हैं आप देखो, अब ये तो clear है कि चारों rod की situation same है, सब में delta L जो है वो same ही होगा, सब में delta L same ही होगा, तो पहले सबसे पहले tension निकाल लेते हैं, सब में tension, 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 tension कैसे निकालेंगे, once again इसका FBD अगर हम बनाएंगे students तो इसमें 500 Gmg force लगेगा, ठीक है, और सब में अगर equal tension माने तो सब इसमें ऊपर की तरफ tension लगाएंगे, ठीक है, T, 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 ठीक है, तो we'll have 4T is equals to 500G. तो टेंशन इज एक्चुअली 125G. So 1250 newton. ठीक है, तो हर रॉड में टेंशन कितनी वो पता चल गई। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है कि हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, और सेकंड है स्ट्रेस और स्ट्रेन, और थर्ड है स्ट्रेस, तो सबसे पहले स्ट्रेस ही निकाल लेते हैं, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, चलो यहां कायदे लिखता हूं,
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो किसी भी रॉड में अगर हम फोर्स या टेंशन देखें तो दिस इज दिस अपॉन एरिया, दैट इज 12 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो ये स्ट्रेस आ जाएगा. ठीक. अब डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो वो हम कई बार देख चुके हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया y, और स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल. तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू टी एल अपॉन वाई इंटू ए. तो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता नहीं है कि आगे मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है. टेंशन हम निकाल ही चुके हैं, लेंथ हर रॉड का आप देखो दिया हुआ है 2, वाई दिया हुआ है और कॉस एक्स हम निकाल चुके, तो डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं. टेंशन इज हाउ मच, टेंशन इज 1250, लेंथ ऑफ अ रॉड इज 2, वाई इज दिस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस, 12 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो दिस विल बी डेल्टा एल ऑफ अ रॉड, ऑफ अ रॉड. ठीक है, अब स्ट्रेन निकालना है तो दैट विल बी सिंपली डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ दैट इज 2. समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको.